नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने देश में पहली बार 300 मीटर की दूरी पर क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए एक फ्री स्पेस को पूरा किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीके की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट स्वदेशी रूप से किया गया, जिसमें की खासकर भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया नाविक, जिसने ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के बीच सिंक्रोनाइजेशन शामिल था और ऑप्टिकल अलाइनमेंट के लिए भारी और बड़े अपर्चर दूरबीनों की बजाय गिम्बल मैकेनिज्म सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इस डेमोंस्ट्रेशन में क्वांटम की इंक्रिप्टेड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की गई। साथ ही अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिना शर्त सुरक्षित सैटेलाइट डेटा कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जबकि डेटा इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक क्रिप्टो सिस्टम बहुत ही जटिल मैथमेटिकल एल्गोरिथम पर आधारित होता है। वहीं क्वांटम कम्युनिकेशन फिजिक्स के लॉ पर आधारित है, जो कि एक सुरक्षित सैटेलाइट डेटा संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इसरो के अनुसार इसीलिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफ को भविष्य प्रूफ यानी कि फ्यूचर प्रूफ कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटेशनल पावर में भविष्य में कोई भी प्रगति क्वांटम क्रिप्टो सिस्टम को तोड़ नहीं सकती। आपको बता दें कि फ्री स्पेस QKD को डेमोंस्ट्रेट किया गया था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर यानी कि SAC अहमदाबाद में, जिसमें कि कैंपस के भीतर दो लाइन की इमारतों के बीच किया गया, जो कि सफल रहा। इसका इस्तेमाल खास करके रात में किया गया ताकि इस बात की अश्योरिटी हो सके यानी कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डायरेक्ट सनलाइट का इसमें हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस ना हो। ये प्रयोग इसरो के सैटेलाइट आधारित क्वांटम कम्युनिकेशन यानी कि SB2C के लक्ष्य के प्रति बड़ी सफलता है, जहां इसरो दो भारतीय ग्राउंड स्टेशनों के बीच टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि इसरो ने फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का परीक्षण किया है 300 मीटर के दायरे में। दोस्तों, भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी भी है भारत के लिए, ताकि एक सुरक्षित संचार हो सके। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं होगा और खास करके दुश्मन भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी को तोड़ नहीं पाएंगे यानी कि इसे भेद नहीं पाएंगे। इसरो की एक बड़ी उपलब्धि। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।